आप देख रहे हैं क्रिएटिविटी विद कैप्टन। उर्दू का तारफ, उर्दू जबान बतौर पाकिस्तानी, उर्दू एज ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, हमारी कौमी व मिलती व मादरी जबान है। लेकिन सदाए अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि हम में से 50% से जायद लोगों को ये मालूम नहीं कि ये लफ्ज उर्दू किस जबान का लफज है। हम आज आपको बताते हैं और आपके नॉलेज में मजीद इजाफा करते हैं कि ये किस जबान का लफज है और इसके क्या मायने, और उर्दू जबान कहां से और कैसे बनी। उर्दू लफ्ज तुर्की जबान का है, इसके मायने है लश्कर। ये जबान मुसलमानों की बरसगीर पाको हिंद में आमद के बाद मकामी जबानों से मिलने के बाद वजूद में आई। यहाँ पर एक अनोखा सवाल पैदा होता है कि उर्दू जबान के मायने लश्कर के क्यों है, क्योंकि ये उस वक्त की फौज की जबान थी, इस वजह से इसका नाम उर्दू रखा गया जिसके मायने लश्कर के हैं। वैसे इसके पुराने नाम रिख्ता उर्दू माली भी है। उर्दू को उर्दू का नाम इसलिए मिला कि ये अपनी पैदाइश के इब्तदाई अयाम में एक फौजी जबान के तौर पर जाहिर हुई। फौज में हिंदुस्तान के तूलो अर्ज से हर तरह की जबान बोलने वाले लोग मौजूद, जिन्हें आपस में बातचीत करने को एक मुश्तरका जबान की जरूरत थी। चनाचा नजरिया जरूरत के तहत फितरी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तमाम जबानों के अल्फाज और तरकीब इस्तेमाल के मजमुए के तौर पर एक नई जुबान पनपाने लगी। ये शुरू में खालस्तन जैसे के कैंट या चोनी की जुबान थी। किले और शाही महलात में इसके खूब तरवीज हुई और रफ्ता रफ्ता ये दारुल हुकूमत दिल्ली के गली कूचों में फैलती चली गई। बरसगीर मुसलमानों की आमद से पहले टुकड़ों में बटा हुआ था और छोटी बड़ी खुद मुख्तार रियासतों पर मुश्तमिल। इन रियासतों की अपनी अपनी जुबान थी और किसी मुश्तरका जुबान की जरूरत नहीं थी। जब बरसगीर एक रियासत में यकजा हुआ तो सबसे पहले फौजी हलकों में मुख्तलिफ जुबान बोलने वालों को आपस में बातचीत के लिए एक जुबान की जरूरत महसूस। ये फौजी एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए कुछ अपनी और कुछ दूसरी जुबान का मलगूबा इस्तेमाल करने लगे। यूं रफ्ता रफ्ता एक नई जुबान मार्ज़े वजूद में आई। क्योंकि इस जुबान का इस्तेमाल फौजी लश्करों से शुरू हुआ, इसी निस्बत से ये उर्दू कहलाई। इस जुबान का अगला दौर ये हुआ कि इसकी दो शाखें बन गईं। एक उर्दू जिस पर अरबी की गहरी छाप थी, इसमें अरबी के अल्फाज ज्यादा थे और अरबी रस्म अल खत में लिखी जाती थी। दूसरी में संस्कृत के अल्फाज ज्यादा थे और संस्कृत रस्म अल खत में लिखी जाती थी। आज ये दोनों जुबानें उर्दू और हिंदी के नाम से जानी जाती हैं। अल्फाज और रस्म अल खत का ये फर्क वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम की पहचान बनता गया।